जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बहुत लोग का कमेंट आया अलग अलग टॉपिक को लेकर। जो भी है सबका आंसर हम दे चुके हैं, लेकिन आपको अभी भी डाउट लगता है करंट अफेयर के लिए जो भी मैंने बताया, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उस तरह फॉलो कीजिए। और जो बुक्स का रहा तो बुक्स वही सब है जो पहले पहले बता चुके हैं कि घटना चक्र देखिए, जो स्पेशल बुक है वो देखिए, ठीक है। और बहुत लोग सोचते हैं कि जितना हम कर रहे हैं उससे होगा कि नहीं, ये तो आप जानते हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपका सेट में नंबर क्या है, ठीक है। क्योंकि जब हम सेट प्रैक्टिस मारते हैं तब हमारा प्रिपरेशन का हमको पता चलता है, ठीक है। ये सबसे सिंपल इजी रास्ता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेट में जो टॉपिक आपका लटकता है, हमेशा आप उसको गलत मारते हैं, तो वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए। जैसे हम, मेरे मारने का तरीका क्या होता था, सेट करने बैठे हैं, अब उसको सेट कर रहे हैं, अब जितना मेरा रॉन्ग हुआ वो मेरा टॉपिक बन गया पढ़ने के लिए, ठीक है। शुरू शुरू में सेट मार लीजिए, अब वो सारा टॉपिक निकाल लीजिए। अब वो सारे टॉपिक को एक दिन में कवर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इससे आपका वो टॉपिक एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ये सबसे ईजी है। डेली सेट मारिए, सेट में जो गलती हो रहा है, जो आपको टफ लग रहा है, वो आप टॉपिक लिख दीजिए कि भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता, या जिस तरह वो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके पूछने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपको ल्यूसेंट मिलेगा, क्राउन में मिलेगा, या फिर आपको डिटेल बुक पढ़ना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि आपको आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, सेट मारिए, सेट में से क्वेश्चन देखिए कि तरीका क्या है उसके पूछने का, उसके पूछने के तरीके से जो पूछा है क्या वो सारे किताब में अवेलेबल है जो हमारे पास है, या नहीं है तो उसके लिए हम कौन सा बुक अपने आप को प्रीफर करें, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और हर दिन आपका कम से कम पता रहेगा ना कि आज 5% मेरा कंप्लीट। आज सेट प्रैक्टिस का अगर मेरा 100 क्वेश्चन है, 100 में 5 एकदम सब्जेक्ट मेरा पक्का। फिर हर दिन ऐसे ही दो 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 सब्जेक्ट करके आपके पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस मारिए, टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, अपना प्रिपरेशन कवर रखिए, उसके बाद सेट मारिए, आपका रिजल्ट तो सुपर डुपर रहेगा, ठीक है। तो यही तरीका है। करेंट के वक्त भी जब आप सेट प्रैक्टिस में मारेंगे, करेंट में आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप CGL का तैयारी कर रहे हो, BPSC का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से अगर आपसे नहीं बनता है वो, तो वो सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, उस सब्जेक्ट को आज कवर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस बन जाता है, नहीं भाई, एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि उस एक सेट प्रैक्टिस में कितने सारे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन रहता है। अगर वो सारा सब्जेक्ट आपका कवर नहीं है तो एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस का 5, 10, 15 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन 15 सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। तो 15 कवर, फिर अगला दिन 15 कवर, ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन आपका आराम से कवर हो जाएगा। 5 से 6 दिन में आपका पूरा एक सेट प्रैक्टिस का कंप्लीट तैयारी होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता कि एक दिन में एक मारे, दो मारे, चार मारे, पाँच मारे, जितना सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब्जेक्ट आपका कितना कंठस्थ है ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल वे है और ये बेस्ट है, ठीक है। ये मेरे प्रिपरेशन में भी ये तरीका बहुत काम किया था कि हाँ, सेट प्रैक्टिस मारते वक्त सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको अच्छे से कवर कर लो और उसकी तैयारी अपनी कंप्लीट रखो, तो ये पता चलता है कि इतना ही पढ़ना है। पढ़ना तो आता है, भर भर के है, पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, कितना सब्जेक्ट है, कितना चीज़ है, ठीक है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि जिस चीज़ का हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस फॉर्म में ये रहता है कि एक लिमिट प्लेस होता है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रीफर कोई सब्जेक्ट दिया रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस का देख लीजिए तो साइंस का लेवल कुछ अलग ही होता है, बिहार दरोगा का साइंस का लेवल अलग ही होता है, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है कि सेट में कैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हमको अपना तैयारी कितना करना है, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, बहुत ईजी, धीरे धीरे 5%, 2% ही करके, 1% करके ही डेली कंप्लीट होगा, लेकिन 100 डेज में तो कंप्लीट होगा, एकदम होगा, ठीक है। तो बस यही फंडा रखिए, उसी पर लगे रहिए। बहुत लोग का कमेंट रहता है, मैंने घटना चक्र कवर कर लिया, मैंने ल्यूसेंट कवर कर लिया, मैंने ये कवर कर लिया, कवर सब है। अगर वहाँ सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो सेट प्रैक्टिस में पूछने का तरीका है उसे मैचिंग कर जाते हैं, तो तैयारी भैया ताबड़तोड़ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। और एक आदमी को क्वेश्चन था कि फॉर्म नहीं आता, बिहार दरोगा का फॉर्म नहीं आता, जो भी व्हाटएवर फॉर्म, तो वाकई में हम लोग के समय में भी बहुत टाइम लग गया था, ठीक है। वैकेंसी लेट ही आती है, फॉर्म हर चीज़ का लेट ही आता है, लेकिन कई सारी वैकेंसी आती हैं, वैरायटी वैरायटी ऑफ जॉब आते हैं, सब में ट्राई कीजिए, डिफेंस भी ट्राई कीजिए, सिविल भी ट्राई कीजिए,
सबकी सेट प्रैक्टिस पे हाथ बैठाइए, है ना। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही है, उसके हिसाब से चलना होगा। तो अपनी तैयारी थोड़ा और स्ट्रांग बना के रखिए कि हर तरह का फॉर्म हम डाल सके, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।